बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो हमारा हिस्ट्री है, इसका जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे मूल निवासियों का विस्थापन, इसका ये लास्ट है यानी कि फोर्थ पार्ट है, और इस पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बदलाव की लहर, ये हमारी हेडिंग है, इस पे हम आ चुके थे। हुआ क्या था कि 1920 के दशक तक, दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी 1920 का दशक का मतलब है 1920 से लेकर 1930 तक के, यानी ये जो 10 सालों की बात हो रही है यहाँ चल रही है। तो 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा, यहाँ के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। आपको बताया था हमने लास्ट वीडियो में, पूरा पढ़ रखा है कि कितना गलत हो रहा था इन मूल निवासियों के साथ। ये वहीं के मूल निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनको उन्हीं की जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनको अलग जगह जमीन दे दी है, उनकी जमीन खरीद ली है या छीन ली है, खरीदी भी है तो पैसे पूरे नहीं दिए, कम पैसों में करा, ऐसा ऐसा इनके साथ हो रहा था, और अंदर जंगलों की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले पता क्या हुआ था कि अमेरिका में एक ऐसा दौर आया था जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, यानी वहां पे अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गई थी। और अगर आपने अमेरिकी गृह युद्ध वाला सीन सुन रखा हो, जो अमेरिका गृह युद्ध हुआ था 1860 के आसपास जो भी हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस समय भी अमेरिका में बुरा हाल हो गया था, ऐसे ही बुरा हाल इस टाइम पे भी कुछ हुआ था कि बहुत आर्थिक मंदी हो गई थी। तो 1928 में क्या हुआ कि ये जो समाज वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेवाइस मेरियम, इनके निर्देशन में संपन्न एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। इन्होंने क्या करा, एक सर्वे करवाया, सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण में बहुत सारी चीजें सामने आई, वो क्या थी आप देखें, मैं अंडरलाइन करता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये सर्वे जो किया गया था, इसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब, अब आप इसको भारतीय मत समझना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह थी जहां पे मूल निवासियों को जगह दे दी गई थी। मान लो ये जो मैंने आपके सामने जगह बनाई है, ये जगह मूल निवासियों को रहने के लिए दी गई है, यहाँ पे मूल निवासी रहते हैं, इसी जगह को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। इसको क्या बोला जाता था, आरक्षण या रिजर्वेशन इस जगह को बोला जाता था। रिजर्वेशन में क्या होते थे, वो मूल निवासी रहते थे, लास्ट वीडियो में हमने जाना। ये जिस हालत में रहते थे ना, बहुत बुरी हालत में रहते थे, यानी ना तो इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध थी चिकित्सा वाली, और ना ही इनको एजुकेशन यानी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थी, और बहुत ही दरिद्रता भरा इनका जीवन हो रहा था, उसी का चित्रण किया गया था इस सर्वे के जरिए। गोरे अमरीकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी। अमेरिकियों को लगा कि यार ये जो मूल निवासी थे, कुछ भी हो इनके साथ गलत तो हो रहा है, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति जागी, जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से रोका जाता था, कि भाई उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको नागरिकता के जो अधिकार थे उन लाभों से वंचित रखा गया, उनकी जमीन से उनको भगा दिया गया, अंदर जाने के लिए मजबूर किया गया, उनकी स्थिति खराब कर दी गई। ऐसे में गोरे अमेरिकों को महसूस हुआ कि यार ये तो गलत हुआ है इनके साथ। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरी कानून को जन्म दिया, एक ऐसा कानून जिसने एक युग का अंत कर दिया, आप ये समझ लो कैसे, क्योंकि ये जो इनके साथ गलत हो रहा था, इससे रिलेटेड ही कुछ कानून होगा। एक बार आप दोबारा से समझे इसे, एक अमेरिका में क्या हुआ कि एक युगांतरकारी कानून जन्म हुआ। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक कानून है ये इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हुआ, यानी कि अब इनके लिए कुछ किया गया है। क्या किया गया है कि जो रिजर्वेशन है यानी जो जगह इनके लिए आरक्षित की गई है, उस जगह पे जो मूल निवासी हैं उनको जमीन खरीदने का और वहां पे कर्ज लेने का अधिकार दे दिया गया, जो कि इनको पहले नहीं दिया गया था। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि वे इससे मुख्य धारा में शामिल होंगे, ठीक है। अभी 1920 तक की हमने बुरी हालत देख ली वहां पे मूल निवासियों की, अब आप वहां आ गए हैं 1950 से 60 के दशक में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या जो कनाडा है, यहाँ की सरकारों ने क्या करा, जो मूल बासिंदे थे उनके लिए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर उम्मीद से विचार किया, और विशेष प्रावधान इसलिए खत्म किए गए ताकि वो मुख्य धारा में शामिल होंगे, यानी कि वो आम लोगों की तरह उनमें जुड़ पाएंगे, अर्थात इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन जो मूल बासिंदे थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। देखो, कभी भी कोई भी मूल निवासी जो होता है वो अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता है, ये चाह रहे हैं कि यूरोपियों की तरह हो जाए, उनकी संस्कृति को अपनाए,
बट जो मूल निवासी होती है, चाहे वो, मैं अमेरिका के नहीं बोल रहा, मैं भारत के, दुनिया में किसी भी देश में जाओ, जहां पे भी मूल निवासी है, वो अपनी संस्कृति से बहुत लगाव होता है उनको, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार होता है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार किया कि उनमें रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी उनके रिजर्वेशन या उनकी जो जमीन है वो उनसे वापस नहीं ली जाएगी, और उनकी परंपरा जो हो भी है, चाहे वो उनकी कोई भी संस्कृति, कुछ भी उनके रीति रिवाज हो, कोई भी परंपरा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। उन्होंने शर्त रखी कि भाई हम तुम्हारी नागरिकता तभी स्वीकार करेंगे जब हमारे रिजर्वेशंस में आप मतलब दखलंदाजी नहीं करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि आप हमारी संस्कृति और परंपरा में दखलंदाजी नहीं करोगे, दूसरा पॉइंट। कुछ ऐसी ही चीजें जो थी वो कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी, यानी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मान्यता नहीं देगी सरकार, ऐसा घोषणा हो गई। तो मूल निवासी जो थे वो इस चीज से, ठीक है, मूल निवासी इस चीज से परेशान हुए कि वो तो कुछ अधिकार मांग रहे हैं लेकिन सरकार के लिए नहीं देगी अधिकार। तो उन्होंने क्या करा, मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से, एक अच्छे तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। यानी कि जो मूल निवासी थे वो इस चीज से परेशान हुए, उन्होंने क्या किया, धरना देना शुरू कर दिया और एक वाद विवाद की पूरी श्रृंखला चलती रही उनकी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1982, देखो अभी हमने 1920 पढ़ा, फिर हमने 1950 और 60 का दशक पढ़ा, फिर हमने 1969 पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि मूल निवासियों के साथ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन 1982 यहां पे कुछ बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है इसे देखते हो। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, यानी कि 1982 में भी ये सवाल अभी हल नहीं हो पाया, लेकिन इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब ये बहुत साफ हो गया कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं शताब्दी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी करी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मूल निवासियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मूल निवासियों ने एक चीज नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, और अपने अधिकारों को पाने के लिए जो लड़ाई थी उसको नहीं छोड़ा, वाद विवाद संघर्ष जो था उसको नहीं छोड़ा, चलता ही रहा। खासतौर पर कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की दावेदारी की, कि उन्होंने बोला कि ये जो हमारी भूमि थी इस पे हमारा अधिकार है, क्योंकि हम मूल निवासी हैं, ये जमीन हमारी थी, उन्होंने उसकी दावेदारी की कि ये हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। और ऐसी दावेदारी जो थी वो 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो अब 1980 के दशक के बाद जो हो रहा है, आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो उनके पुरखों ने ये चीजें दावेदारी नहीं की, पर अब ये दावेदारी इस पे करने लगे थे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हम ऑस्ट्रेलिया की। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का लंबा इतिहास है, कि यहाँ पे भी बहुत पुराने समय से मानव रहते आ रहे हैं। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव जो थे, जिन्हें हम एबोरिजिनीज कहते हैं, ठीक है, ये कई भिन्न भिन्न समाजों में प्रयुक्त एक सामान्य नाम है, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह से नाम है एक सामान्य। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे ये। फिर ये क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से एक भू सेतु यानी जमीन का एक पुल जुड़ा हुआ था, न्यू गिनी, यहां से आए थे ये। और मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, नहीं मतलब वे मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, यानी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से यही थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये मूल निवासियों की तरह कहीं या उनकी परंपराओं के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, बल्कि वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के ही थे, ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे। बीती सदियां स्वप्न काल कही जाती है। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। यहां से वैसे कुछ आएगा नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको मेन चीजें जो होंगी वो बता दूंगा। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में, यहां से इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 18वीं सदी में आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। ये 18वीं सदी की बात चल रही है, आखिरी दौर की। हर समुदाय की अपनी भाषा थी और इनमें 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसे टॉरेंस स्ट्रेट या टापू वासी कहते हैं,
एबोरिजिनी शब्द का जो इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 के कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। यानी कि अगर 2005 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की मतलब जितनी भी आबादी है उसका 2.4% जो है वो कौन है, वो मूल निवासियों की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है, छितराई का मतलब इधर उधर बिखरे हुए। और आज भी वहां के ज्यादातर शहर जो है वो समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जो समुद्र का तट है उसके आस पास बसे हुए हैं। जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे, क्योंकि बीच का इलाका जो था वो शुष्क मरुभूमि था, ठीक है, मरुस्थल जैसा था। तो क्या है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपीय आबादकार आप जानते हो ना, ऐसे लोग जो जमीन की सफाई करके वहां पे खेती के योग्य बनाते हैं, आबादकार और मूल निवासी और जमीन के बीच आपसी रिश्ते का किस्सा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के किस्से से कुछ बिंदुओं पे मिलता जुलता है। जैसे यूरोपीय वहां पे आए, ठीक है, यूरोपीय जब वहां पे आए तो जैसे कि मान लो कैप्टन कुक और वो अपने एक समूह के साथ, जत्थे के साथ वहां पे गए, मूल निवासियों से दोस्त उन्होंने उसके साथ दोस्ताना और उत्साहपूर्ण जो व्यवहार था वो था। लेकिन क्या हुआ, एक मूल निवासी ने कुक जो था उसकी हत्या कर दी हवाई में, ठीक है, हवाई में की थी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं की, कि कुक ने उसकी हत्या कर दी। और तब जब अंग्रेज की हत्या कर दी एक मूल निवासी ने, तो अंग्रेज जो ब्रिटिश थे उनका रवैया पूरी तरीके से उलट गया। यानी पहले जो दोस्ताना संबंध रख रहे थे अब वो अपोजिट हो गए, बिल्कुल यानी विरोध में आ गए, जैसे कि प्राय होता आया है। इस तरह की घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरे के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने का इस्तेमाल में की गई। जब ये बाहरी लोग, यूरोपीय लोग जब वहां पे आए ऑस्ट्रेलिया में, तो मूल बासिंदे जो थे उन्होंने सभी ने इसको खतरे की तरह नहीं देखा, वो अनुमान ही नहीं लगा पाए इस बारे में। हुआ क्या कि 19वीं 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर, कीटाणु वगैरह जो थे उनका असर होने लगा, और कीटाणु का असर होने लगा और उससे फिर वो अपनी जमीन भी खोने के चलते आबादकार के साथ कुछ लड़ाइयां भी हुई। लगभग 90% जो मूल बासिंदे थे वो अपनी जान गंवा बैठे, यानी कि लगभग वो मर गए 90%। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर उतारू कर दिया। तो क्या होता था, कुछ को कैदियों की तरह रखते थे, जैसे ब्राजील था, ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग किया गया, ठीक है, लेकिन बाद में इस प्रयोग को बंद कर दिया गया क्योंकि वो पुर्तगालियों को बसाना चाह रहे थे, पर बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि जो इनका बर्ताव था वो हिंसक था। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। क्या करते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती आबादकार जो थे, आबादकार जो जमीन को खेती योग्य बनाए, आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होके आए थे, यानी इंग्लैंड से सजा पाकर आए थे, और उनके कारावास यानी उनकी जो सजा थी पूरा होने तक उनको ब्रिटेन वापस ना लौटने की शर्त, यानी ब्रिटेन में अगर किसी ने कुछ गलत कर रखा हो तो उसको सजा के रूप में दूसरी जगह बसा देते थे, और जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती थी तब तक वो वहीं पे रहता था। इनका कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन वापस ना लौटने की शर्त रखी जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाजत दी गई कि तुम ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र हो, ठीक है, बट ब्रिटेन नहीं आ सकते हो जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होती। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जिंदगी जीना, और उन्होंने खेती के लिए जो ली गई जमीन थी उससे मूल निवासियों को बाहर निकाल करने में कोई झिझक नहीं दिखलाई, क्योंकि बस उन्हें अपनी जिंदगी जीनी थी। यूरोप का जो एटमोसफेयर रहा था वो बिल्कुल अलग था, ऑस्ट्रेलिया में जो माहौल रहा होगा वो बिल्कुल अलग है। अब उनको अपनी जिंदगी जीनी है, जमीन मिली है, तो ऐसे में मूल निवासियों को भगाना है तो बिल्कुल भी नहीं हिचकते थे उनको मारने पीटने भगाने में बिल्कुल भी। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने जो खान थी खाने, उसके बाद मदिरा बनाने हेतु यानी शराब बनाने के लिए अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफी परिश्रम से यहाँ पे विकसित हो पाई थी। इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की, यानी ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेती वगैरह
खान खान करना, खान तैयार करना, भेड़ों को फार्म बनाना, ये सारा काम एक लंबे समय में यहाँ पे करके दिखाया। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बना दी जाए, तब उसके लिए वूल वीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया, कैनबरा रख दिया गया। शुरू में तो इसका सुझाव दिया गया, बाद में उसका नाम बदल के कैनबरा रखा गया, जो कि एक स्थानीय कैनबरा से बना है। कैनबरा का मतलब क्या होता है, सभा स्थल, यानी जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे एक मीटिंग के लिए सभा की जाती हो, कैनबरा का मतलब होता है सभा स्थल, उसी से नाम बन गया कैनबरा। और अमेरिका ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की बात चली। कुछ मूल निवासी जो थे वो ऐसे हालात में खेतों में काम करते थे, उसका दास प्रथा में अंतर बहुत कम था। बाद में क्या हुआ, चीनी आप्रवासियों ने जो चीन से आए हुए थे उन्होंने सस्ता श्रम मुहैया कराया, यानी कि वो कम पैसों में काम करने को तैयार हो गए, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया कि चीन का आप्रवासी वहां पे नहीं जाएगा, उसको बैन कर दिया। 1974 तक क्या हुआ कि लोगों के मन में ये डर बैठ गया था पूरी तरीके से कि जो दक्षिण एशिया है और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, यहाँ की के जो गहरी रंगत वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई कि जितने भी गैर गोरे हैं, गैर गोरे का मतलब है जो अंग्रेज नहीं है, जो ठीक है जो ब्रिटेन वाले नहीं है, तो उनको वहां से बाहर रखने की नीति बनाई कि कोई भी गैर गोरा जो है वो वहां पे नहीं रहेगा या फिर नहीं आएगा, या आएगा तो उसके साथ कुछ सख्त कानून होंगे, इस तरीके की बात यहाँ पे चली। तो यहाँ भी मूल निवासियों की एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी, उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय की और प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझा जाता था। यानी कि क्या होता था, मूल निवासी जो थे उनको क्या का समझा जाता था, एक विशेष प्रकार की संस्कृति वाला समुदाय जिसकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है, जो प्रकृति को, नेचर को और जलवायु को समझने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, आपको पता है कि वो जो मूल निवासी होते थे वो तारों से, रात में तारे देखकर दिशा का ज्ञान लगा लेते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो मौसम को इतने अच्छे से समझते थे कि कब बारिश हो जाएगी, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, किस टाइम पे भूकंप आ सकता है, किस टाइम पे क्या हो सकता है, प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते थे, और उनकी अपनी विशिष्ट पद्धति थी जिसके जरिए वो इन सब चीजों को समझते थे। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाएं, कपाड़ साजी, अपनी खुद की कहानियां हैं, कपाड़ साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल हैं, इन सब चीजों का विशाल भंडार है, और भंडार को सराहने, आदर करने, अभिलेखन का योग्य था। ये सारी चीजें इनके पास थी, मूल निवासियों के पास, ठीक है। मूल निवासियों के पास अपनी संस्कृति थी, अपनी चित्रकारी थी, अपनी हस्तशिल्प कौशल था, पूरी स्किल थी जिसके जरिए ये बहुत कुछ करते थे। देखो भाई, उसके बाद एक नया युग शुरू हुआ। नया युग क्या कहने का मतलब है कि ये जो मूल निवासी जो आज तक अनदेखे किए जाते थे, इग्नोर किए जाते थे, अब इन मूल निवासियों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि मूल निवासियों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना कर दी गई, और बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज जिसमें उनकी चित्रकारी, उनकी देसी कलाएं जो भी थी वो सारी रखी गई। देसी संस्कृति को समझने के लिए कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालय बना दी गई, संग्रहालय की जगह दी गई। मूल निवासियों का जो जीवन है, उनका जो इतिहास है, उसको लिखने का प्रयास किया गया, और ये एक बहुत अद्भुत प्रयास था कि जिन मूल निवासियों को अभी तक जिनकी संस्कृतियों को अनदेखा किया जाता था, अनदेखी बस्तूर जारी रहती थी, उसका अब क्या हो रहा था, कुछ बहुत सारी चीजें जो काफी गर्त में जा चुकी थी, यानी जो चीज लोग भूल चुके थे, कहीं ना कहीं उस चीज को दोबारा से, उसका इतिहास लिखने, उसको उजागर करने का एक प्रयास जरूर किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। 1970 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानव अधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया की जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि जो मानव अधिकार शब्द बार बार सामने आने लगे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग इन चीजों को समझने लगे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो यूरोपीय लोग आए थे, ये इन्होंने भूमि का अधिग्रहण किया, जमीन को कब्जे में लिया, और उसको औपचारिक तरीके से नहीं लिया,
मतलब जो एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है उस तरीके से नहीं लिया, और मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र हस्ताक्षर। देखो मान लो कोई मैं हूं, मैं कहीं जमीन लूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई मुझे बोल देगा ये आज से तेरी जमीन और हो गई। उसके लिए एक फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी, जमीन के कागज जो होंगे मुझे अपने नाम कराने पड़ेंगे पैसे देकर, या जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है वो। तो इन मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार ही नहीं किया गया था, ऐसी जमीन ले रखी थी। तो सरकार जो थी वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस न्यूलियस कहती थी। इसका मतलब ये होता है कि जो किसी को नहीं है, जो किसी की नहीं है वो जमीन। इसके अलावा वहां के अपने आदिवासी रिश्तेदार से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी जो यूरोपीय थे, उनके बच्चों का एक लंबा इतिहास भी यहीं पे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मूल निवासियों के साथ यहाँ पे जो जो गलत हुआ था वो सारी चीजें यहाँ पे बाद में उजागर की गई। मूल निवासियों का जो इतिहास था उसको लिखने का प्रयास किया गया, इतने सारे कार्य किए गए थे। तो यहाँ से ये जो है अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जितने इसमें मेन टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश पूरी की है, बट टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत बेहतर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लिख कर पढ़ाता तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाता, मेन मेन चीजें पढ़ा पाता, बट क्या करें अब टाइम है ही नहीं हमारे पास। पर अगले साल से ये जो नया सेशन आएगा, आप 12th में आ जाओगे, 12th का आपका सारा कंटेंट पहले से ही रेडी है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है 12th में। और जो 10th क्लास से 11th क्लास में आएंगे, तो 11th क्लास के लिए हम फैकल्टी रख रहे हैं, तो नए टीचर आएंगे हमारे चैनल पे, जिससे कि हम 11th का सिलेबस इस बार शुरू से एंड तक बिल्कुल अच्छे से खींच के रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम नए सेशन में पूरा साल होगा, पर अब हमारे पास गिने चुने दिन है तो इसलिए दिक्कत है। बाकी आप कमेंट जरूर करते हैं आपको कैसा लगा, कम टाइम में कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपके करा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।